अर्थव्यवस्था पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीच शुरू हुई इस दुबानी जंग इस हद तक बढ़ चुकी है कि दोनों नेता एक दूसरे पर वार करने के लिए नए नए अंदाज को अपना रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली को घेरने के लिए कभी राहुल फिल्म शोले की रचना करते हैं तो कभी शायरी सुनाते हैं। जी हाँ, आज भी राहुल गांधी ने अरुण जेटली पर शायराना अंदाज में तंज कसा है। गुरुवार सुबह कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर जीएसटी और नोटबंदी पर वित्त मंत्री अरुण जेटली को आड़े हाथ लिया। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी के दोनों फैसले गलत हैं, इसका हर्जाना जनता को भुगतना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि नोटबंदी और जीएसटी की वजह से अर्थव्यवस्था आईसीयू में है। डॉक्टर अरुण जेटली, आप किसी से कम नहीं, लेकिन आपकी दवाई में दम नहीं, कृपया दूसरा समाधान निकालिए वरना सीट छोड़कर जाइए। राहुल ने अपने इस ट्वीट में जहां अर्थव्यवस्था को नोटबंदी और जीएसटी से पीड़ित बताया, तो वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि नोटबंदी और जीएसटी दुखदायी है। वे तो ये मानते हैं कि जीएसटी से ही देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौटेगी। बुधवार को वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश को बर्बाद किया है अब वो प्रवचन ही करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर देश और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का भी आरोप लगाया। वैसे राहुल और जेटली की ये लड़ाई अभी ही शुरू नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले भी दोनों नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल चुके हैं। राहुल गांधी ने तो जीएसटी पर फिल्म शोले की रचना तक कर डाली है। राहुल गांधी ने गुजरात में एक रैली के दौरान जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया था। दिव्य लाइफ की रिपोर्ट।